बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान जहां अपनी फिल्मों को लेकर छाए रहते हैं तो वहीं हर साल हर सीजन वो पहुंच जाते हैं बिग बॉस में और ये भी कहते हैं कि भाई मुझे ये सीजन नहीं करना, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है रियलिटी शो, क्योंकि इसमें होते हैं खूब सारे लड़ाई झगड़े और गाली गलौज जिसे सलमान खान पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें ही तो इन सबको हैंडल करना पड़ता है। शो के कंटेस्टेंट इतना हंगामा मचाते हैं कि सलमान खान का सर दर्द होने लगता है, मगर भाई फिर भी होस्ट करते हुए सलमान नजर आ ही जाते हैं बिग बॉस के हर एक सीजन को। मगर अब बड़ी खबर सामने आ रही है, नहीं नहीं सलमान खान के शो को छोड़ने की ये खबर नहीं है, ये तो सिर्फ अफवाहें सामने आ रही थी, लेकिन यहाँ खबर बड़ी एक ये आ रही है सामने कि सलमान खान ही सिर्फ बिग बॉस के आगामी सीजन को नहीं करने वाले हैं होस्ट, बल्कि उनके साथ कोई फीमेल भी दिखाई दे सकती है। जी हाँ, बिग बॉस सीजन 13 जल्द ही आने वाला है कलर्स चैनल पर और उसकी खबर ये है कि 29 सितंबर साल 2019 को ही शुरू कर दिया जाएगा इस बार बिग बॉस का ये सीजन जो कि 13th सीजन होने वाला है। लेकिन भाई देखा जाए तो बिग बॉस का सीजन 12 काफी ज्यादा फीका रहा और किसी को भी खास पसंद नहीं आया और इसी वजह से शो के मेकर्स लगाना चाहते हैं शो में और भी खूब सारा तड़का, जहां वो तैयारी कर रहे हैं कंटेस्टेंट को ऐसे लेकर आने की जो शो में ज्यादा हंगामा मचा पाए। तो वही मेकर्स की तैयारी ये भी है कि सलमान खान के साथ एक फीमेल होस्ट दिखाई दे जाए जो अलग ही तड़का लगाती हुई दिखाई दे। अब ऐसे में एक खबर भी सामने आ चुकी है कि कैटरीना शायद इस शो को होस्ट करती हुई सलमान खान के साथ नजर आ जाए, मगर बता दे कि खबर तो ये भी है कि शो के मेकर्स अभी तक कैटरीना कैफ से इस बारे में बात नहीं कर पाए हैं और ना ही कैटरीना की ओर से इस बारे में कोई बयान अभी सामने आया है। जहां कैटरीना का नाम लिया जा रहा है सलमान खान के साथ शो को होस्ट करने में, तो वही नाम सामने आ रहा है आलिया भट्ट का भी, मगर आलिया भट्ट अपनी फिल्मों में काफी ज्यादा सक्रिय है, बिजी है और आने वाले वक्त के साथ लगातार वो फिल्में लेकर आने वाली है बॉक्स ऑफिस में, तो ऐसे में सलमान खान के साथ इस शो को होस्ट करना उनके लिए एक इम्पॉसिबल सी ही बात हो चुकी है। लेकिन कैटरीना कैफ का फिल्मी ग्राफ अगर देखा जाए तो वो सलमान खान के साथ ही ज्यादा फिल्में कर रही है, तो हो सकता है कि फिल्मों में केमिस्ट्री दिखाने के बाद अब वो छोटे पर्दे पर भी सलमान के साथ नजर आ जाए। और सलमान कैटरीना के फैंस वैसे ही लाखों करोड़ों में है तो उन्हें देखकर वो काफी ज्यादा खुश होंगे। वेल बता दे अब इसी के साथ कि ये बात तो आने वाले वक्त के साथ जरूर कंफर्म हो जाएगी कि सलमान और कैटरीना इस शो को होस्ट कर भी रहे हैं या फिर नहीं, मगर यहाँ सबसे स्पेशल होने वाले हैं शो के सभी कंटेस्टेंट, क्योंकि इस बार शो में सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटीज ही आने वाले हैं जिसमें नाम लिया जा रहा है रमन भल्ला यानी कि आप सभी के फेवरेट करण पटेल का, और इसी के साथ करण वोहरा भी शो में आ सकते हैं जो इस वक्त स्टार प्लस के शो कृष्णा चलिरंजन में काम कर रहे हैं और ये शो जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है। तो वहीं इसी के साथ आ रहे हैं टीवी इंडस्ट्री से और भी काफी नाम जिसमें सलमान खान की एक स्पेशल फ्रेंड जरीन खान का नाम भी लिया जा रहा है, क्योंकि बॉलीवुड में उन्होंने अभी कोई खास फिल्म को साइन नहीं किया है, तो ऐसे में पॉपुलैरिटी के लिए वो शायद इस शो में दिखाई दे सकती है। वेल कंटेस्टेंट की जो ये लिस्ट है बिग बॉस सीजन 13 की, वो भी आप सभी के सामने हम जल्द लेकर आएंगे। और इसी के साथ आप कितने एक्साइटेड है बिग बॉस सीजन 13 के लिए, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाएं।